दोस्तों आप फ्री में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और हमारी टेक्नोलॉजी की वीडियोस देखना चाहते हैं तो साथ में इस बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पबजी ट्रेनिंग मोड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम पबजी ट्रेनिंग मोड के बारे में बताएंगे कि ये पबजी ट्रेनिंग मोड क्या है और इसको कैसे लगा सकते हैं। आज हम पबजी ट्रेनिंग मोड में जाकर कुछ आपको ऐसी टिप्स देंगे, अगर आप उस टिप्स को फॉलो करते हैं तो दोस्तों आप जो भी आप पबजी खेलते हो तो आप अपने गेम में बहुत ज़्यादा सुधार पाने वाले हुए। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ जो आपके पबजी गेम में बहुत अच्छे से काम आने वाले। जल्दी से मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, वीडियो शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारा चैनल टेक्नर स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों इस लाल बटन को दबाकर इसको वाइट कर दीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके की रिलेटेड वीडियोस और टेक्नोलॉजी के वीडियोस और पबजी से रिलेटेड जितने भी टेक्नोलॉजी वीडियोस हैं मैं लाता रहता हूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको अपना पबजी गेम ओपन कर लेना है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना पबजी गेम ओपन कर लिया। तो यहाँ पर एक आपको सबसे पहले पहले जाना है ट्रेनिंग मोड में। तो उसके लिए दोस्तों हमें जाना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्ट लिखा हो, स्टार्ट के नीचे लिखा हुआ दोस्तों यहाँ पर हमारा मैप आ रहा है जिसमें लिखा है क्लासिक TPP मैप। ठीक, मेरा मार मैंने सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप चाहें तो अपनी तरीके से यहाँ इसको जो भी गेम चाहे खेल सकते, पर हमें जाना है ट्रेनिंग मोड में। तो दोस्तों सबसे नीचे आप देख सकते हैं ट्रेनिंग का एक ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे ही मैं ट्रेनिंग पे क्लिक करूँगा, देखिए मैं ट्रेनिंग में क्लिक करी वैसे ही हमारा जो भी ट्रेनिंग मोड है वो हमारा लग जाएगा। और मैं आपको बताऊँगा मेरी फेवरेट गन कौन सी है और मैं कौन सी गन दोस्तों सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और आपको बताऊँगा आपको भी कौन सी गन यूज़ करना चाहिए जिससे आपका गेम जो भी है आपका गेम पहले से बेटर हो जाएगा। कुछ ऐसी टिप्स देंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको जाना है अपनी गन ले लेना है। यहाँ पर चलिए यहाँ पर सबसे पहले अपना बैग ले लो कोई सब। चलिए मैं लेवल, हमेशा आपको लेवल 3 का बैग मिले वो सबसे पहले आपको लग रखना है। तो यहाँ से मैं अपनी फेवरेट गन ले लेता हूँ यहाँ से। चलिए मैं मेरी फेवरेट गन मैं AKM यूज़ करता हूँ और कार 98 यूज़ करता हूँ। तो यहाँ से मैं कार 98 ले लेता हूँ। जब उससे मुझे कार 98 मिल गई है और मैं AKM ले लेता हूँ, ठीक है, और दोनों की बुलेट से ले लेता हूँ। चलिए मैं बुलेट से ले लेता हूँ, इसमें लगती है 7.62 mm की बुलेट लगती है, यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। और मुझे बुलेट्स मिलती है, मैं सबसे पहले अपनी बुलेट ले लेता हूँ। यहाँ से जो चाहो लेता जो भी ट्रेनिंग मोड के लिए आप चाहें। और यहाँ पर मैं लेता हूँ एड स्कोप ले लेता हूँ और एक लेता हूँ रेड डॉट, ठीक है। दो स्कोप दोस्तों मैंने यहाँ पर ले रखे हैं, तो मैं एड स्कोप इसमें लगा लिया है, ये मेरे पास बेकार आ गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको एक यहाँ पर मैं इस गाड़ी का यूज़ करने वाला हूँ, मैं बताऊँगा इस गाड़ी से आपको क्या कैसे आप इसको कैसे अपने ईजिली अच्छे से। अरे इस बंदे ने मुझसे ले ली पहली, चलिए कोई बात, इससे वाले जैसे छोड़ा तो मैं इसको कुछ और आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे यहाँ पर आपको, चलो मैं बुलेट्स ले ली यहाँ पर, इन बंदे ने फिर से ले ली है, थोड़ी सी बुलेट्स और लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपनी सिलेक्ट कर ली है AKM, और AKM जैसे ही आप किसी को भी टारगेट करते हैं यहाँ पर देख से AKM जैसे ही मैं किसी निशान लगाऊँ तो हमारी देखिए ये सब हमेशा ऊपर होता है। शेक करके देखिए जैसे मैं निशाना नीचे लगा रहा हूँ तो देखिए ये जैसे मैं निशाना नीचे लगा रहा हूँ तो अपने आप जो कंटिन्यू ऊपर हो रही है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, कभी हम किसी को भी शूट करते हैं तो हमारे जो भी निशाना लगाते हैं हमेशा ऊपर शेक होता है। तो देख सकते हैं ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों मेरे पास हो रही। चलिए मैं आपको पास जाके दिखा देता हूँ, गन फिर से मैं लोड करता हूँ और देखिए यहाँ मैं समय यहीं पर रखता हूँ और फिर मैं इसको ट्रिगर दबाता हूँ, ठीक है। ये मैं ट्रिगर दबाया, ये देखिए अपने आप इसको हो गए। चलिए मैं आपको पास जाके दिखाता हूँ, देखिए यहाँ देख कहाँ लाइन जो पूरी लाइन ये बन गई है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। अब मैं दिखाऊँगा कि आप इसको एक ही जगह कैसे शूट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं गन लोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरी दोस्तों मेरी सबसे फेवरेट गन ये दोनों है, मेरी कार 98 चलाता हूँ और AKM यूज़ करता हूँ, सबसे अच्छी गन मुझे यही लगती है। तो यहाँ मैं इसको देखिए यहाँ पर मैं देखिए अब मैं शूट करूँगा, मेरी एक ही चीज़ देखिए एक ही जगह रहेगी, ये ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रही है। आप अपने मैं अपने हिसाब से सेट करिएगा, मैं अपने हिसाब से इसको सेट करके दिखा रहा हूँ आपको, आप अपने हिसाब से इसको सेट करिएगा। तो आपको बताऊँगा ये आपको कैसे करना है कि ये एक ही जगह आपका निशाना रहे। तो यहाँ पर आपको
देखिए, अब मैं जो भी ट्रिगर दबा रहा हूँ तो मेरा निशाना एक ही जगह रह रहा है। देखिए आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, देखिए पहले मैं ऐसे दबा रहा था तो अपने आप जो ऊपर भाग रहा था, देखिए ऊपर भाग रहा है ना, फिर मैं नीचे निशाना लगा रहा था तो अपने आप मेरा ये इतना शेक होकर ऊपर पहुँच गया। तो अब मैं फिर से देखिए शेक करूँगा, अब मैं जो भी इसके निशाना लगाऊँगा वो एक ही जगह पर रहेगा। देखना देखिए इस एक ही जगह पर है ना। अब मैं इसको जूम करके फिर से लगाता हूँ। देखिए अब यहाँ पर आपको क्या करना, देखिए यहाँ पर ये कैसे आपको एक ही जगह रखना है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर आपको दो ट्रिगर दिए होते हैं, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। तो कभी जब भी आप हमेशा सॉरी जब भी आप राइट डॉट का इस्तेमाल करते हो तो लेफ़्ट साइड का ट्रिगर यूज़ करिए, क्योंकि जब भी आप इसको दबाओगे तो ये जो राइट साइड के ट्रिगर की जगह होती है उसको हमेशा स्टॉप करके हमको नीचे की साइड रखना है, नीचे की साइड रखकर दूसरे हैंड से इसको रखना है और ट्रिगर इसको दबाते रहना। चलिए पहले मैं बुलेट से ले लेता हूँ फिर बताता हूँ आपको कैसे करना है। चलिए मैं बुलेट से ले ली मैंने यहाँ पर और लेता हूँ, और है नहीं, चलो इतनी मैंने ले ली। ठीक है मैंने बुलेट्स ले ली हैं, फिर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर मैं इसको रखूँगा और लेफ्ट साइड से मैं शूट करूँगा और राइट साइड की जो खाली जगह है यहाँ पर इसको एक जगह में पॉज कर लूँगा। यहाँ पर हल्के से पॉज करूँ नीचे की ओर और देखिए मैं जैसे ही कर रहा हूँ एक ही जगह हाई, ये सब एक ही जगह, इतने में सामने वाला बंदा दोस्तों नॉक आउट हो ही जाएगा। और जैसे आप नॉर्मली तरीके से इसको शूट करते हो तो देखिए, तो नॉर्मल तरीके से आप जैसे इसको हैंड दबाते हैं तो ये अपने आप ऊपर भागता। देखिए आप नीचे शूट कर रहे हैं ये अपने आप ऊपर भाग, इससे दोस्तों जो भी बंदा होता है उसके हम बुलेट्स नहीं मार पाते हैं। ठीक है अब हम बात करते हैं कि जो भी हमारी दूसरी गन है कार 98, उसको हम कैसे यूज़ करना है। देखिए कार 98 मैंने इसको भी यहाँ पर लगा लिया है, एटैक स्कोप यहाँ पर मैंने इसको लगा लिया है। चलिए एटैक अब एक क्या कर रहा है, सामने आ गया, अभी क्या कर रहा है, ये तो मेरे पीछे पड़ के रह गया, ये भी कोई भी। अब भाई अपना गेम अपना साइड करना, मेरे सामने क्यों आता है। अबे छोड़ यार, अबे छोड़, क्या कर रहा है भाई मेरे, क्या कर रहा है हड़िया। अभी ये सामने खड़ा हो जा रही है, चलो मैं दूसरी जगह चलता हूँ, ये पीछे पड़ के रह गया मेरे, ये देखो मेरे पीछे पड़ के रह गया, पता नहीं कौन बंदा है ये, मुझको आपको बताने नहीं देगा लग रहा मुझको। ये देखिए मेरे पीछे आ रहा है, ये मेरे पीछे आ रहा है, तो आने दो उसको, आने दो। अबे अपना गेम खेल जाके भाई मेरे, क्या कर रहा है यार, मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, गाड़ी मुझे मिल गई। हाँ देखिए सबसे पहले आपको मैं गाड़ी की बजाता हूँ, ये बंदा मुझे नहीं छोड़ता तो मैं गाड़ी बता देता हूँ कैसे यूज़ करना आपको। ये देखिए मेरे पास बैठ गया आके, तो देख कभी भी हम ये वाली जब गाड़ी यूज़ करते हो तो हमेशा मैं राइट की तरफ होता हूँ, एकदम मुड़ जाती है जिससे कि एकदम मुझे मेरे कंट्रोल से, आप भी खेलते हैं आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो इसको आपको कंट्रोल दूर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इस गाड़ी से पहले उतरना, उतर के उतरने के बाद लेफ्ट वाला ये टायर आपको पंचर कर देना है। देखिए ये आपको पंचर कर देना, फिर इसको बैठ जाना। अब देखिए जो भी आप कंट्रोल करेंगे आपको कंट्रोल बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा और जो काफ़ी अच्छी चलेगी, बहुत अच्छी, जैसे मैं चला रहा हूँ सेम वैसे चल रही। आपको लेफ्ट तरफ का पंचर कर देना और अपनी तरीके से इसको चलाना है। देखिए तो गाइस सेकंड ट्रिक आपको ये करना है, तो यहाँ पर आपको कार 98 सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको स्कोप लेना है एटैक्स का, ठीक है एटैक्स स्कोप लेना और कार 98 उसको सिलेक्ट कर लेना। तो सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपको कुछ एक ऑप्शन इनेबल करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखता है बोल्ट एक्शन रिफिल एड एंड क्रॉसबो फीडिंग मोड, देखो ये आपको इस ऑप्शन को रिलीज़ कर लेना है, ठीक है। पहले मैं दिखाता हूँ, देखो मैंने पहले इसको रिलीज़ करके रखा, पहले मैं दिखाता हूँ टैप पे क्लिक कर देता हूँ, पहले दिखाता हूँ उसको कि ये टैप पे क्लिक करने के बाद कैसे आपको ये क्या होता है। देखिए मैंने एक ये वाला कोई मैंने अबे
मैंने 8x तो लिया ही नहीं था यार। चल 8x ले लेते हैं, ठीक है 8x ले लिया मैंने। तो आपको वाला ऑप्शन क्लिक कर लेना और फिर यहाँ पर 8x इसको कार्ड 98 में लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पर एक ही बार जो बंदा नॉकआउट होता है, तो ये यहाँ पर मैं कोई बंदा किसी में क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं इसको जैसे मैं टैप पे क्लिक करूँगा यहाँ पर एकदम शूट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं इसको ट्रिगर दबा रहा हूँ यहाँ पर वैसे ही शूट हो जा रहा है, खाली इस पर टच करते ही शूट हो जा रहा है, देखिए शूट हो गया। और देखिए फिर मैं इसको सेटिंग में चलता हूँ, सेटिंग में करने के बाद इसको रिलीज़ कर देता हूँ। अब दिखाते हैं क्या फ़र्क होएगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पर मैंने इसको बटन दबा लिया, पॉज करके ये बटन मैंने रख लिया, यहाँ पर आप देखते हैं चाइनीज भाषा में कुछ लिख कर आ गया। और जैसे मैं इसको क्लिक यहाँ पर इसको छोड़ूंगा, मैं देखिए लेफ्ट वाला प्रेस करके ये बटन मैंने रखा हुआ है। अभी मैं कुछ चाहूँ तो किसी भी मूव कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा उसको यहाँ पर जैसे मेरा टारगेट मेरे सामने आएगा तो मैं इसको एकदम छोड़ दूँगा। ये देखिए फिर से मैंने इसको रिलीज़ कर लिया और फिर यहाँ पर इसको छोड़ दिया, वो गिरा। फिर से मैंने इसको टैप कर लिया, देखिए फिर से मैं इसको छोड़ दिया, वो गिरा। आप बहुत अच्छी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, देखिए वो गिरा। चलिए इस तरह मैं इसको यहाँ पर इसका निशान लगा के दिखाता हूँ, देखिए ये मैंने इसको टैप कर लिया है और इसको यहाँ पर मैं कड्डे वालों उसको मैं जैसे ही छोड़ूँगा, ये देखिए सेम वहाँ पर लग गई बुलेट्स। आप कितनी भी चाहिए मतलब इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये होल्ड हो जाएगा, और जैसे ही अपने ट्रिगर अपने बटन को इसको आप जैसे इसको छोड़ोगे तो ये शूट कर देगा। दोस्तों ये सबसे अच्छा मुझे ऑप्शन इसमें ये लगा, कार 98 चलाने का सबसे मस्त तरीका तो यही है। यहाँ पर उसको रिलीज़ कर दीजिए, आप बहुत अच्छी तरीके से उसको यूज़ करिए। और दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक और बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपको जैसे कि आपने ये क्या ATM सिलेक्ट कर रखी, कोई भी LIC आपको सामने से ऐसे तो आपको सिलेक्ट वो मारता है, कोई भी आपको निशान लेके मारे तो आप लोग हमेशा ऐसे करते हैं, आप उसको ऐसे शूट करते हो, सबसे बड़ी गलती आप उसको शूट करते हो और इतने में आपको वो मार देता है। और इसलिए इसको बचने के आपको क्या करना है, जैसे ही आपके सामने आता है तो आपको उछल उछल के गोलियां चलाना, उछल उछल के ऐसा हो कभी आपको टांग पे गोली लगेगी तो उससे एनर्जी आपकी कम जाएगी। तो कोई बंदा आ जाए तो उसको आपको उछल लेना है, देखिए यहाँ पर जैसे कोई बंदा आएगा आपको उछल लेना है और उछल के देखिए फिर आना, फिर आपको उछलना है यहाँ पर, फिर आपको उसको मारना है। इसी तरीके से आप उसको मतलब खेलिएगा, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये ट्रिक दोस्तों ऐसी है कि आप अपने गेम में आप यूज़ करते हो तो आपका गेम का पहले से बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आप उसमें सुधार पाओगे। क्योंकि दोस्तों मेरी कुछ तबीयत ख़राब इसलिए मैं अच्छे से शायद आपको बता नहीं पाया, पर मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताता और पर सॉरी दोस्तों उसके लिए मेरी तबीयत ख़राब है, पर मैं आपने सोचा आपको ये वीडियो बताई जाए और दिखाई जाए कि इस वीडियो से आपको कितना लाभ होने वाला है। तो यहाँ पर आपको वो गया, तो आपने देखा ये ट्रेनिंग मोड कैसे लगता है, आप कैसे इसको ट्रेनिंग मोड लेके आप हर गन का हर पिस्टल का इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे बढ़िया आपको आप ट्रेनिंग मोड लगाइए और आप अच्छे से इसका यूज़ करिए। आप जितनी जितना आप ट्रेनिंग मोड में आप अपना खेलेंगे आपके गेम उतना बेटर होने वाला है। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में अपना गेम चालू किया मैंने ट्रेनिंग मोड लगा दिया था, मेरा गेम परफेक्ट हुआ है, उससे मेरा ट्रेनिंग मोड की वजह से परफेक्ट हुआ। क्योंकि मैं ट्रेनिंग मोड बहुत ज़्यादा खेलता हूँ और नए नए तरीके करने की कोशिश करता रहता हूँ और सारी गन मैं यूज़ करता हूँ, जो भी मुझे गन मिल जाती है मैं सारी गन यूज़ करता हूँ। तो गाइस आज के लिए बस इतने था, आपके लिए मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। क्योंकि दोस्तों मैं आगे भी इस पबजी के ऊपर काफ़ी वीडियोस लाने वाला हूँ, और अभी तक अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो दोस्तों आप प्लीज़ इस रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और गाइस अगर मुझसे आप कुछ पूछना चाहते हैं या आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पर आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपके हर कमेंट्स का रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। तो गाइस आज के लिए बस इतने ही, आपके लिए मिलते नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।